नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का अगस्त 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मकर लग्न का जुलाई 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु और मंगल आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा छठवें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य सातवें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र और बुध आपके आठवें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके नौवें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके लग्न पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है 12 जुलाई से और गुरु की दृष्टि पड़ रही है 1 मई 2024 से, और आपके लग्न के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपके लग्न पे ही विराजमान रहेंगे। देखिए, लग्न पे आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 12 जुलाई से, क्रोध ज्यादा आएगा, क्रोध पे नियंत्रण रखना है। गुरु की दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति तो हो रही होगी 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक। आप जिस भी फील्ड में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ज्ञान निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। और आपके लग्न के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक विराजमान है। हालांकि देखिए, यहाँ पे शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। सेविंग्स को लेकर के आप चिंतन करेंगे, परिवार वालों को लेकर के आप चिंतन करेंगे। आपका फोकस आपके परिवार वालों को लेकर के रहेगा, सेविंग्स को लेकर के आपका फोकस रहेगा। दूसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शनि यहां अपने राशि में ही बैठे हुए हैं 17 जनवरी 2023 से, और जैसा कि मैंने आपको बताया 29 मार्च 2025 तक आपके दूसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे और 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक आपके दूसरे भाव में ही शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो दूसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है तो आपके सेविंग्स के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल दे रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए 29 जून से 15 नवंबर तक आपका सेविंग्स निश्चित तौर पर कराएंगे। हालांकि देखिए, शनिदेव जो है ना, एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं तो उनका जो मूवमेंट होता है बहुत ही स्लो होता है, तो बहुत ही धीरे धीरे वो फल प्रदान करते हैं, लेकिन वो फल निश्चित तौर पर प्रदान करेंगे और आपका सेविंग्स निश्चित तौर पर शनिदेव कराएंगे। परिवार वालों के साथ आपके संबंध में मजबूती लाएंगे। और तीसरे भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके राहु विराजमान हो गए 30 अक्टूबर 2023 से। तो देखिए, यहाँ 30 अक्टूबर 2023 से आप आपका काम किसी भी तरीके से करवाने में बिलीव कर रहे होंगे, यानी कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आप काम करवाएंगे। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रह रहा होगा, राहु देव आप विराजमान है तो आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर अच्छा रख रहे होंगे। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में 1 मई 2024 से विराजमान है और 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनके द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी और आपको हिम्मत भी मिल रही होगी। आपके छोटे भाई बहन के स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा होगा। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख माता घर वाहन का होता है। देखिए, शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है तो घर वाहन माता को लेकर के आपके सुख में कमी महसूस कर रहे होंगे, आप माता से मनमुटाव होने के योग बन रहे हैं। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान है 12 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक। तो 12 जुलाई से 25 अगस्त तक आपके बच्चों का सुख आपको अच्छा मिलेगा। पांचवें भाव में आपके गुरु विराजमान है और मंगल विराजमान है और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके आठवें भाव में विराजमान है। देखिए, पांचवा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति प्रेम पढ़ाई साधना का होता है। देखिए, पांचवें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है तो यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे होंगे 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक वे शुभ फल प्रदान करेंगे। माता द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी, माता आपके पढ़ाई में आपको सपोर्ट भी कर रही होंगी, पर यहाँ पे आपके पढ़ाई में थोड़ी बहुत बाधाएं उत्पन्न हो रही है 31 जुलाई से 24 अगस्त तक पढ़ाई में आपकी थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, पढ़ाई में आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आपके बच्चे या फिर आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनका आपको सुख निश्चित तौर पर अच्छा मिलेगा, पर उनकी तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है 31 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक।
और वहीं जब आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं 25 अगस्त से, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है शुक्र द्वारा। तो अगर आप साधना करते हैं साधना आपके लिए फलदायी रहेगी। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए उनके साथ भी आपके संबंध में मजबूती आपको देखने मिलेगा। स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई में उनका नसीब उनका अच्छा साथ देगा। पर यहाँ पे देखिए मंगल भी आपके पांचवें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आपके बच्चों को क्रोध थोड़ा ज्यादा आएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी झगड़ा या विवाद से बचना है आपको आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चाहे कि आप कॉलेज जा रहे हैं या फिर आप स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं विवाद होने की संभावनाएं बन रही है, विवाद से बचे। आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए उनको भी क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद से बचे। देखिए बस आपको विवाद से बचना है, बाकी आपके लिए अच्छा रहने वाला है 25 अगस्त से। छठवें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और मंगल 26 अगस्त को विराजमान हो रहे हैं और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके आठवें भाव में विराजमान है। देखिए छठवा भाव जो होता है ना वो होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। चंद्रमा जो आपके छठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं आपके सातवें भाव के स्वामी है, जो कि आपके छठवें भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान हो रहे हैं। तो अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं या फिर आपकी स्पाउस के साथ आप काम कर रहे हैं या आपकी स्पाउस भी अगर है तो उनके साथ थोड़ा सोच समझ के बोलिए 1, 2, 28 और 29 तारीख को। आप उनको समझाने जाएंगे वे आपके बात को नेगेटिव वे में ले सकते हैं, तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। और मंगल भी आपके छठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं 26 अगस्त से, और मंगल आपके चौथे भाव के स्वामी है और आपके 11वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके छठवें भाव में 26 अगस्त से विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आपको सुख 26 अगस्त से अच्छा मिलेगा, मामा मौसी का आपको सुख मिलेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे आपको एसिडिटी से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं 26 अगस्त से, और आपकी आमदनी में भी आपको अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है 26 अगस्त से। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आपको सुख अच्छा मिलेगा, और यहाँ पे देखिए आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर से आपको कुछ ना कुछ लाभ भी होगा। जो भी लोग मेडिसिन से संबंधित काम कर रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट बेच रहे हैं या फिर आपका मेडिकल इक्विपमेंट का इंडस्ट्री चला रहे हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या फिर बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं 26 अगस्त से। और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके आठवें भाव में विराजमान है 19 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक। तो 19 जुलाई से 21 अगस्त तक यहाँ पे देखिए बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप नाश करेंगे। छोटी मोटी बीमारियां आपको हो रही होगी उसमें भी आपको कहीं ना कहीं सुधार देखने मिलेगा, पर यहाँ पे देखिए आपके मामा मौसी की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और जब आपके छठवें भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में 22 अगस्त से विराजमान होंगे, तो देखिए यहाँ पे 22 अगस्त से आपकी स्पाउस हो गई या फिर आपके भागीदार हो गए उनको आपको थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया सोच समझ करके बोलिएगा, यहाँ पे आप बोलने कुछ जाइएगा वे कुछ और प्रेडिक्ट करेंगे और आपके बात को नेगेटिव वे में ले सकते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। सातवें भाव में आपके सूर्य विराजमान है और बुध विराजमान हो रहे हैं 22 अगस्त से, और आपके सातवें भाव के स्वामी जैसा कि मैंने आपको बताया आपके छठवें भाव में विराजमान है। लेकिन सातवां भाव जो होता है ना वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है, और सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं आपके आठवें भाव के स्वामी है, जो कि आपके सातवें भाव में विराजमान हो रहे हैं 16 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक। तो यहाँ पे आपकी स्पाउस की तबीयत का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, आपकी स्पाउस की तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और बुध जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके छठवें भाव के स्वामी है और आपके नवम भाव के स्वामी है, जो कि आपके सातवें भाव में 22 अगस्त से विराजमान हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्पाउस के साथ आपको विवाद में नहीं पड़ना है, भागीदार के साथ विवाद में नहीं पड़ना है, बहुत ही सोच समझ के बोलना है। पर यहाँ पे देखिए आपके नवम भाव के स्वामी भी हैं बुध, जो कि आपके सातवें भाव में 22 अगस्त से विराजमान हो रहे हैं। तो आपकी स्पाउस या फिर आपके भागीदार जो है वे आपके लिए भाग्यशाली रहने वाले हैं 22 अगस्त से। कोई काम आपका अटक रहा है, ये जो पीरियड आपका 22 अगस्त से शुरू हो रहा है ना, 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक, अगर आपका कोई काम अटक रहा है तो आपके भागीदार को आप वो काम दीजिए, वो काम आपका भागीदार अगर करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर आपको फायदा करा देंगे। स्पाउस के साथ आप काम करते हैं स्पाउस को वो काम दे दीजिए जो काम में आपको दिक्कतें आ रही हैं, और आपकी स्पाउस देखिए ये काम जो आपका करेंगी उससे भी आपको फायदा होगा। आठवें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और बुध विराजमान है, और सूर्य देखिए यहाँ पे आपके आठवें भाव में ही विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 16 अगस्त से, और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके आठवें भाव में पड़ रही है। देखिए आठवां भाव जो होता है ना वो होता है आपके आयु जीवन मृत्यु अचानक धन लाभ ससुराल का होता है। आठवें भाव में आपके शुक्र विराजमान हुए और शुक्र आपके पांचवें भाव के स्वामी है और आपके दसवें भाव के स्वामी है, जो कि आपके आठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं।
देखिए यहाँ पे आपके पांचवें भाव के स्वामी हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है 31 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक। पिता की स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान दें, पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है और काम में भी थोड़ी बहुत बाधाएं आपकी उत्पन्न हो सकती हैं। और बुध जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके छठवें भाव के स्वामी हैं और आपके नवम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके आठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं 19 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक। तो यहाँ पे देखिए बुध द्वारा जैसा कि मैंने आपको बताया विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 19 जुलाई से 21 अगस्त तक, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप नाश करेंगे। और यहाँ पे देखिए आपके नवम भाव के भी स्वामी हैं बुध, जो कि आपके अष्टम भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आप भाग्य में थोड़ा बहुत कमी महसूस करेंगे। और सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं 16 अगस्त से, तो यहाँ पे देखिए 16 अगस्त से आपके पत्रिका में सूर्य द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए 16 अगस्त से ना आप संभल के रहिए, आपको चोट पाट लग सकता है, ससुराल वालों की थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ सकती है। और आपके देखिए यहाँ पे आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। हालांकि देखिए यहाँ पे 1 मई के बाद आपके ससुराल वालों के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है, विवाद के योग बन रहे हैं 12 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक, तो विवाद से बचें। नवम भाव में आपके केतु विराजमान है और शुक्र 25 अगस्त से विराजमान होंगे। और देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। देखिए नवम भाव जो होता है ना वो होता है आपके भाग्य धर्म जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस का होता है, तो केतु आपके नवम भाव में विराजमान हुए 30 अक्टूबर 2023 से और शुक्र भी आपके 25 अगस्त से विराजमान हो रहे हैं आपके नवम भाव में। जैसा कि मैंने आपको बताया शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी है और आपके दशम भाव के स्वामी है, जो कि आपके नवम भाव में 25 अगस्त से विराजमान हो रहे थे। यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया उनके पढ़ाई में उनका लग कच्चा साथ देने वाला है, साधना आपके लिए फलदायी रहने वाली है। और आपके दशम भाव के स्वामी भी हैं शुक्र, जो कि आपके नवम भाव में 25 अगस्त से विराजमान हो रहे हैं, तो आप जो भी काम करेंगे देखिए यहाँ पे आपको 25 अगस्त से आपके काम में आपको पॉजिटिव रिजल्ट निश्चित तौर पर मिलेगा। काम में आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। देवताओं से संबंधित काम कर रहे हैं, पूजा पाठ से संबंधित काम कर रहे हैं, धर्म संस्था चला रहे हैं या कोई भी धार्मिक कार्य से संबंधित भी काम कर रहे हैं, तो आपका काम 25 अगस्त से निश्चित तौर पर अच्छा चलेगा। देखिए यहाँ पर आपके जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनको आपको प्रेडिक्ट करने में थोड़ा बहुत मुश्किल जा रहा होगा, वे बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। और यहाँ पे देखिए लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने लगी 1 मई 2024 से, तो आपके जीजा साली साला हो गए छोटे भाई के स्पाउस हो गए उनके साथ आपके संबंध में मजबूती आएंगे, पर यहाँ पे देखिए थोड़ा उनको क्रोध ज्यादा आएगा 26 अगस्त से, तो आपका उनसे छोटा मोटा नोकझोंक हो सकता है। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके आठवें भाव में विराजमान है 31 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक। देखिए दशम भाव जो होता है ना वो होता है आपके बॉस पिता काम ऑफिस का होता है, तो देखिए दशम भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में जैसा कि मैंने आपको बताया 31 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक विराजमान है। काम में थोड़ी बहुत बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा, काम में दिक्कतें बढ़ेंगी, पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, पिता की स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान दें। और आपके दशम भाव के स्वामी जब आपके नवम भाव में 25 अगस्त से विराजमान होंगे, तो देखिए आप जो भी काम करते हैं उससे आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देने वाला है। बॉस और पिता आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, काम में आप मेहनत कीजिए 25 अगस्त है आपको निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, पर यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको जैसा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ग्यारहवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि मंगल के घर में पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, और आपके ग्यारहवें भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान है। देखिए ग्यारहवा भाव जो होता है ना वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त पहचान के लोग, कम्युनिकेशन बड़े भाई बहन का होता है। देखिए ग्यारहवें भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान है 12 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक, तो जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय रहेगा 12 जुलाई से 25 अगस्त तक। एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं जैसे कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई स्कूल में टीचर हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं, या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, तो भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं 12 जुलाई से 25 अगस्त तक। हालांकि देखिए जैसा इनकम आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा आपको इनकम नहीं मिलेगा, और शनिदेव आपके वक्री भी हो रहे हैं 29 जून से 15 नवंबर तक, तो इनकम में थोड़ी बहुत दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो चीजों को बैलेंस यानी कि आपके इनकम में बैलेंस लाने का प्रयास कर रहे होंगे 1 मई 2024 से। इनकम जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा आपको नहीं मिलेगा, पर आपको इनकम निश्चित तौर पर गुरुदेव दिलाएंगे। पैसे के लिए आपको एग्रेसिव नहीं होना है, पैसे के लिए अगर आप एग्रेसिव होंगे तो यहाँ पे थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और ये बात मैं कह रहा हूँ जो भी लोग व्यापार करते हैं यानी कि बिजनेस करते हैं, क्योंकि बिजनेस में आपके पैसे अटक रहे होंगे, टूट टूट के मिल रहे होंगे, जैसा पैसा आप जिस मंथ में प्रिडिक्ट करेंगे कि मेरे को इतना पैसा मिलना चाहिए वैसा पैसा नहीं मिल रहा होगा, तो यहाँ पे पैसे के लिए थोड़े बहुत आप एग्रेसिव हो सकते हैं।
12 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक तो विवाद से बचें, आपके बड़े भाई बहन दोस्त के साथ किसी भी विवाद से बचें, मनमुटाव से बचें। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके मनमुटाव ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, पर यहाँ पे देखिए मनमुटाव होने की संभावनाएं तब भी बन रही हैं। तो देखिए अगर थोड़े दिनों के लिए भी अगर आपके मनमुटाव हो रहा है और आपको पता है तो क्यों मनमुटाव करना है, मनमुटाव से बचे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वहीं जब आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में 26 अगस्त से विराजमान होंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी लोग मेडिसिन से संबंधित काम करते हैं, डॉक्टर हैं या फिर मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं या फिर सिक्योरिटी सप्लाई बैंक रिकवरी संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनका काम अच्छा चलने वाला है, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए 12वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है 12 जुलाई से, और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 1 मई 2024 से फेवरेबल समय। हालांकि देखिए यहाँ पे 4 जून से उनको ज्यादा अच्छा फल मिलेगा, और यहाँ पे देखिए 4 जून से लेकर के 14 मई 2025 तक वे अगर बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए फेवरेबल समय है। आपके बच्चों के पढ़ाई पे आपका खर्च बढ़ेगा, प्रेमी या प्रेमिका अगर आपके हैं तो उनपे भी आपका खर्च बढ़ा हुआ होगा 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। देखिए यहाँ पे आपके मंगल की दृष्टि, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके 12वें भाव में भी पड़ रही है, तो विवाद से बचें। किसी के साथ अगर विवाद हो भी जा रहा है ना, तो कोई भी कानूनी मामले पे ना जाने दें, अपने एंड से ही सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 8 से 12 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 5 से 7 तारीख, 15 से 17 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको विष्णु रामकृष्ण भगवान की पूजा नियम पूर्वक करनी है। बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदर कांड का पाठ करें, ओम गणपते नमः का जाप करें। और गुरुवार के दिन साईं बाबा या दत्त मंदिर आप जा रहे हैं या फिर आप गणपति मंदिर जा रहे हैं, और प्रतिदिन कोई भी नया काम शुरू करने के पहले माथे पे केसर का तिलक लगाएं, पालतू जानवर को अपने कष्ट ना दें या कोई भी जानवर को कष्ट ना दें, काले कुत्ते को रोटी नियम पूर्वक दें, और पिता और पुरोहित का सम्मान करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।